आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते खबरों की ओर। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियां घोषित किए जाने के बाद भाजपा में प्रत्याशियों के चयन और उनके नामों को तय करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। सोमवार को 24 सदस्यीय चुनाव समिति की अहम बैठक पार्टी के राज्य मुख्यालय पर होने जा रही है। इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होने के साथ ही पहले चरण के प्रत्याशियों के नामों को तय किए जाने की संभावना भी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक यह बैठक शाम 4 बजे से बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल के साथ साथ कई नेता शामिल रहेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि उम्मीदवारों के नामों का मंथन होगा इस बैठक में। कई दिग्गज नेता, कई बड़े उम्मीदवार इस बैठक में शामिल होंगे और इस तमाम विषयों पर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर किस चरण में किसको कहां से उतारना है। यूपी विधानसभा 2022 के लिए बीजेपी तैयार है और लगातार अब तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। बात करें निर्वाचन आयोग के द्वारा जो तारीखें तय की गई हैं, उसके बाद से ही आचार संहिता लग गई है और अब आगे की तैयारियां और ज्यादा तेजी से शुरू हो चुकी हैं। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अजहर, ये जो आज बैठक होने जा रही है काफी अहम मानी जा रही है, आखिर कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? निर्वाचन आयोग ने चुनावी तारीखों की घोषणा की, उसके बाद जो पहली भारतीय जनता पार्टी की जो आज शाम 4 बजे लगभग की जाएगी, और ऐसा कयास लगाया जा रहा है जैसा कि निर्वाचन आयोग ने 16 जनवरी तक के तमाम रैलीज और तमाम जो है जो प्रचार प्रसार को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जैसा कि कहा गया निर्वाचन आयोग द्वारा कैंपेन कर्फ्यू लगा दिया गया था, वहीं इस मीटिंग में यह भी कयास लगाया जा रहा है कि कैसे वर्चुअल रैलीज की जाए, कैसे वर्चुअल मीटिंग्स की जाए, इसको लेकर भी तमाम तरह के मंथन हो सकते हैं। और पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर, प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर भी इस बैठक में मंथन हो सकते हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर जो बैठक होगी वो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में की जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो घोषणा पत्र हैं, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। जी जी अजहर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज जो ये बैठक होने वाली है, इसमें केंद्रीय मंत्री में से कौन कौन शामिल हो सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जैसा कि केंद्रीय मंत्री में ब्रजेश पाठक भी शामिल हो सकते हैं और तमाम कुछ ऐसे मंत्री हैं जो शामिल हो सकते हैं, लेकिन खास तौर पे उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं, वो लगभग सभी शामिल होंगे और चुनावी रणनीतियों को लेकर तमाम तरह की जो बातचीत होगी वो सारी चीजें आज होनी है, आज शाम 4 बजे। जी जी, आचार संहिता लगने के बाद अब जो बदलाव हुए डिजिटल माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाने की जो छूट मिली है, उसको लेकर क्या कुछ निर्णय ले सकती है बीजेपी? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी देखा गया है कि इतिहास में पहली बार ये होता नजर आ रहा है कि निर्वाचन आयोग ने इन रैली आचार संहिता लगने के बाद रैलीज को लेकर और तमाम जो जनसंपर्क को लेकर बैन लगा दिया। कोरोना के चलते जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह के कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वर्चुअल रैली की तरफ तमाम तरह के जो ऐसे निर्णय है वो लेगी और इस पे ज्यादा जोर देगी, क्योंकि जिस तरह से 16 तारीख तक के तमाम चीजें बैन कर दी गई हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग हो सकता है इसको लेकर कोई ना कोई छूट दे, लेकिन फिलहाल अभी तक तो इसको लेकर तमाम तरह की जो प्रतिबंधियां वो लगी हुई हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी चुनाव आयोग 16 के बाद इसमें छूट देता है या नहीं, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं आपत्ति जताई है निर्वाचन आयोग को लेकर। सपा मुखिया अखिलेश यादव का साफ तौर पे ये कहना है कि बीजेपी के जितना हमारे पास फंड नहीं है, हम उस तरह से वर्चुअल रैलीज नहीं कर पाएंगे, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इस पर विचार करे। जी जी, जो डोर टू डोर कैंपेन की बात कही गई जिसमें से 5 लोग शामिल हो सकते हैं, तो उसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की क्या तैयारियां?
जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से जो निर्वाचन आयोग का कहना है कि डोर टू डोर आप सिर्फ 5 लोग ही जाके मीटिंग कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी एग्री है और सरकार भी एग्री है, भारतीय जनता पार्टी भी एग्री है, और इसको लेकर जो आदेश दिया है निर्वाचन आयोग ने कि सिर्फ 5 लोग घर से डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर सकते हैं। जी, अगर बात करें गठबंधन की तो बीजेपी का किन किन पार्टियों से गठबंधन है और सीट शेयरिंग का क्या कुछ जो रणनीति है वो देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें जिस तरीके से निषाद पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन है और आज तमाम जो शाम को मीटिंग होने वाली, जो बैठक होने वाली, इसमें तमाम तरह की जो सीटों को लेकर और प्रत्याशियों को लेकर जो मंथन है वो होने वाले हैं और तमाम कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो निकल कर सामने आएंगी, तमाम तरह की चीजें जो क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि नामांकन की डेट, अब जो पहले और दूसरे चरण के नामांकन है वो 10 तारीख तक के हो जाने हैं, उसको लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी और सीटों को लेकर जो उसकी गठबंधन पार्टियां हैं, जो उसकी पार्टियां हैं, जो अलायंस की पार्टियां हैं एनडीए की, उसको लेकर सीटें भी सारी आज लगभग हो सकता है क्लियर हो जाएगी। जी, अगर बात करें यूपी की तो यूपी में तो आज अहम बैठक हो ही रही है और बाकी राज्यों में भी चुनाव है, तो वहां पे क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है बीजेपी की? जी, यूपी में वैसे आज बैठक हो रही है और केंद्रीय बैठक भी होनी है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और तमाम इसी तरह से जैसा कि दूसरे और तीसरे चरण में पंजाब और उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं, तो इसको लेकर आगे आने वाले दिनों में तो जो बैठकें हैं, जो बैठकों का दौर है वो जारी रहेगा और तमाम नेताओं द्वारा बैठकें की जाएंगी क्योंकि चुनावी माहौल है, लगभग 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो ये बैठकों का सिलसिला आने वाले समय पर जारी रहेगा। जी अजहर, जिस तरह से पीएम मोदी से लेके कई बड़े नेता यूपी की जमीन पे उतरे, जनता के बीच जनसभा की, रैली की, तो जनता के बीच मौजूद रहे, बाकी राज्यों में उस हिसाब से कम दिखे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता, तो क्या अब डिजिटल माध्यम से जब जुड़ने की छूट मिली है तो क्या अभी भी सभी राज्यों को संबोधित करते, उनके बीच जाते, अपनी जो तैयारियां हैं और अपनी जो रणनीति है उसको बारे में बताते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से आचार संहिता लागू हो गई, अब कहीं ना कहीं कुछ चीजों पे प्रतिबंध तो लग ही गया, सरकार अपनी अपनी नीतियों का और अपनी तमाम तरह की उपलब्धियों की बात नहीं कर सकती, जनता तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अपना मैसेज तो जनता तक पहुंचा ही सकती जिस तरह से आचार संहिता लगने के बाद किस तरह से निर्वाचन आयोग मैदान में है और उसने तमाम तरह की जो सरकार की उपलब्धियां हैं, होर्डिंग्स हैं और तमाम चीजें वो हटा दी हैं। और जैसा कि जो राशन में जो पैकेट्स में जो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो आ रही थी, उसको लेकर भी निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं सख्त है, तो इसको लेकर जो वर्चुअल रैलीज है, इसको लेकर जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, ये तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में रैलीज करते नजर आए, जनसंपर्क करते नजर आए, वहीं ना कहीं वर्चुअली माध्यम से भी ये देखने को मिल सकता है। और चुनाव में अब लगभग 1 ही महीना बाकी रह गया और इस तरह कोरोना महामारी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, तीसरी लहर जिस तरह से बढ़ती जा रही है, निर्वाचन आयोग लगातार इस पे प्रतिबंध लगाता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वर्चुअल रैलीज के माध्यम से ये तमाम जो बीजेपी के शीर्ष नेता है वो अपने वोटों को साधने का काम करेंगे और अपने समर्थकों को साधने का काम करेंगे। जी अजहर, जिस तरह से डिजिटली काम करने की, जनता के बीच अपनी योजनाएं पहुंचाने की छूट मिली है, इसमें बीजेपी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई देखी गई है, क्योंकि हमेशा अपने हर कार्यक्रम को डिजिटल रूप से या फिर मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाती ही रही है, लेकिन अगर बात करें सपा की या फिर अन्य विपक्षी दलों की तो उसमें वो पीछे नजर आते हैं, तो इस डिजिटली माध्यम से बीजेपी को कितना फायदा होगा, विपक्षी दलों को इससे कितना नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल, आपको साफ तौर से बता दें कहीं ना कहीं जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान जरूर होता नजर आ रहा है इस फैसले, निर्वाचन आयोग के इस फैसले के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कई आईटीज जो टीमें थी वो तैयार कर दी है तमाम जिलों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो तमाम अलग अलग राज्य हो, आईटी टीम्स उनकी तैयार है और वर्चुअली जिस तरह से प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी करती आई है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को इससे काफी नुकसान होने वाला है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, तो इन्हें कहीं ना कहीं वर्चुअली माध्यम से जो मीटिंग्स हैं, जो रैलीज हैं करने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इनसे आगे निकल सकती है और विपक्ष को इससे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। जी, तो क्या इस पर विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जैसा कि समाजवादी पार्टी सपा मुखिया अखिलेश यादव का साफ तौर से कहना है कि निर्वाचन आयोग को इस पे वर्चुअल रैलीज पे रोक लगानी चाहिए, इस पे कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग
इस तरह से रैलीज नहीं कर सकते, इतना फंड्स नहीं है हमारे पास, ये साफ तौर से कहना है सपा मुखिया अखिलेश यादव का। अब देखने वाली बात यह होगी निर्वाचन आयोग इस पे क्या कुछ फैसला लेता है, और 16 तारीख तक जिस तरह से इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है इस पे निर्वाचन आयोग कितनी ढील देता है या फिर ऐसे ही सख्ती बरकरार रखता है। जी अजय, जिस तरह से अखिलेश का ये बयान सामने आया है तो क्या जनता के बीच जाने में, भीड़ जुटाने में और बड़ी जनसभा का आयोजन करने में कम खर्च आता है बजाय डिजिटल के? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो जनसभाएं होती हैं, जो वैसी जनसभाएं होती हैं तो उसको लेकर जो प्रत्याशी हैं, जो फंड्स हैं, वो तमाम तरह के जो फंड्स हैं वो बट जाते हैं, और जब नेता प्रत्याशी के बीच जाते हैं तो कहीं ना कहीं वर्चुअली माध्यम से, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि वर्चुअली माध्यम से हम या तो सोशल मीडिया के द्वारा या फिर एडवर्टीजमेंट के द्वारा, ये तमाम इस तरह की चीजें हैं इन द्वारा, तो कहीं ना कहीं जनसभाओं को जो वैसी रैलीज होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वर्चुअल रैली से खर्च कम आता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अजहर जुड़े थे। तो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है, और जिस तरह से वर्चुअली जनता के बीच जाने की, अपनी योजनाओं बताने की जो छूट मिली है उसको भी बहुत अच्छे से भुनाने की कोशिश में बीजेपी, वहीं इसी को लेकर विपक्ष भी हमलावर नजर आ रहे हैं। और आज बीजेपी की अहम बैठक भी है जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल होंगे और आने वाले चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 1,79,723 केस सामने आए हैं। रविवार की तुलना में 12.6% ज्यादा केस सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से 146 लोगों की मौत हुई है। वहीं वैक्सीन की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 29,60,975 डोज लगाई गई है। अब तक देश में 151 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने बच्चों को टीका लगाने के साथ साथ बुजुर्गों एवं फ्रंटलाइन वर्करों को बूस्टर डोज देने का फैसला किया है। बीमारी से युक्त 60 साल और इससे ऊपर के बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 10 जनवरी से कोरोना टीके की अतिरिक्त डोज लगानी शुरू कर दी गई है। इस अतिरिक्त डोज के लिए कोविन ऐप पर गत शुक्रवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। इस अभियान के तहत बीमारियों से युक्त 60 प्लस फ्रंटलाइन वर्कर्स एवं सभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर जुड़े हुए हैं। अजहर, जिस तरह से कोरोना के मामले आए दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो चाहे हम देश के बाकी राज्यों की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले की बात करें, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या नजर आ रही है? जी बिल्कुल शिखा, आपको बता दें जिस तरह से उत्तर प्रदेश हो चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात करें, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही साफ तौर से देखने को मिल रही है। जिस तरह से चाहे तो भीड़भाड़ वाले इलाके हो, मार्केट्स हो, शॉपिंग मॉल्स हो, जिस तरह से लोग निडर होकर घूम रहे हैं, जिस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बड़ी खास वजह है जो कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आप समझ सकते हैं इस तरह से चुनावी वर्ष चल रहा है और तमाम तरह की जो रैलीज हैं वो होती नजर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है संक्रमण दर बढ़ने का, और जो इस तरह की लापरवाहियां हो रही हैं इससे संक्रमण काफी बढ़ता जा रहा है। और राजधानी लखनऊ की बात करें तो बीते 24 घंटों में लगभग 1,000 से ऊपर मामले आए हैं, और राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो जो टोटल मामले हैं, जो टोटल संक्रमण रेट है वो लगभग 3,500 के ऊपर पहुंच चुका है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 7,500 से ऊपर सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। जी जी, अगर बात करें देश की तो 1,79,723 मामले सामने आए, यानी कि पिछली लहर में हमने देखा था कि कई कई लाख मामले एक एक दिन में सामने आ रहे थे, और एक बार फिर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। कितनी गंभीर स्थिति है, और ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल है? जी बिल्कुल शिखा, आपको बता दें जिस तरह से शहरी जो इलाके हैं वहां पर टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए वहां पर केस ज्यादा निकल रहे हैं। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर टेस्टिंग में कहीं ना कहीं कमी है, जिस वजह से ये कारण है कि वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो केसेस हैं वो काफी कम नजर आ रहे हैं। और लगभग जैसे हमने सेकेंड वेव में देखा डेल्टा वेरियंट में कि लगातार स्थिति बेकाबू होती नजर आ रही थी, कितना ज्यादा खतरनाक था, वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि जो ओमिक्रॉन है ये कोरोना की तीसरी संभावित लहर, जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है, तो कहीं ना कहीं ये डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण इसका ज्यादा जरूर ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खतरनाक कम है, हॉस्पिटलाइज लोग कम हो रहे हैं, जिनके अंदर जरा से भी हल्के संक्रमण दिख रहे हैं वो होम आइसोलेशन में जा रहे हैं और वो ठीक होकर बाहर आ रहे हैं, बहुत ही कम ऐसे पेशेंट हैं जिनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं संक्रमण दर जरूर बढ़ रहा है लेकिन खतरा
कहीं ना कहीं उतना ज्यादा नहीं है जितना कि डेल्टा वेरिएंट में हमने सेकंड वेव में देखा था। जी, अगर बात करें ओमिक्रॉन की तो देश और प्रदेश में कितने मामले अभी तक सामने आ चुके हैं और लखनऊ में कितने मामले हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें जैसा कि देश में लाख से ऊपर मामले, सक्रिय मामले जो है वो है उत्तर प्रदेश में लगभग सक्रिय मामले 7,500 के ऊपर है, और राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर लगभग 3,500 मामले जो कि सक्रिय है, और अगर मृत्यु दर की बात करें तो लगभग पिछले बीते 24 घंटों में 4 मृत्यु हुई है, जिसमें अलग अलग जनपदों में जैसा कि मेरठ हो गया, बदायूं और बुलंदशहर और प्रयागराज, इन चारों में एक एक लोगों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो मृत्यु दर है वो दूसरी वेव से लेकर इस तीसरी संभावित लहर में काफी कम है, तो स्थिति उतनी ज्यादा भयावह नहीं है जैसा कि सेकेंड वेव में हमने देखा गया किस तरह से तिराही मची और किस तरह से ऑक्सीजन को लेकर लोगों में परेशानियां देखने को मिली। तो वैसी स्थिति इस तीसरी लहर में नहीं देखने को मिल रही, और सरकार द्वारा जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो चलाया गया है 15 साल की उम्र से लेकर 18 साल के लोगों तक के जो वैक्सीनेशन कार्य सरकार द्वारा चलाया गया, ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक कदम हो सकता है सरकार की तरफ से, और ऐसे वैक्सीनेशन जो वैक्सीनेटेड है, जो वैक्सीनेटेड परसेंटेज है, ये काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं संक्रमण दर काफी कम होगा। और अब तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी सरकार ने इजाजत दे दी है कि अब वो तीसरा डोज अपना लगवा सकते हैं, और आज से लगवा सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, वो मौके पर ही जाके फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, चाहे बुजुर्ग हो या हैंडीकैप हो, वो वहां पे जाकर लगवा सकते हैं। लेकिन इस पे सिर्फ एक नियम ये है कि उनकी सेकेंड डोज में लगभग 9 महीने का वक्त बीत चुका हो, उसके बाद ही वो तीसरी डोज लगवा सकेंगे। जी जी, अगर बात करें बूस्टर डोज की तो क्या इसके लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? क्या खास इंतजाम, क्या लगातार जो केंद्र है जैसा कि टीकाकरण केंद्रों में जहां पे सेकेंड डोज लग रहे थे, अभी भी अगर आपको बता दें लगभग 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं, और लगभग 52% ऐसे लोग हैं जिनका सेकेंड डोज हो चुका है। लेकिन जो स्वास्थ्य कर्मी है और फ्रंटलाइन वर्कर्स है, तो इनका थोड़ा सा रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, तो इनको लेकर जो सरकार ने बूस्टर डोज लगवाने की बात कही है, तो वो कहीं पे भी जाके टीकाकरण केंद्रों में जाकर लगवा सकते हैं मौके पर ही। लेकिन सिर्फ इस बात की है कि लगभग जो इस टाइम शेड्यूल में लगभग 9 महीने का टाइम बाकी रह सके। जी, अगर हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो कोरोना की वैक्सीन लगवाई है, भारत में सबसे ज्यादा लोगों ने 2 वैक्सीन लगाई है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो अब तीसरी जो बूस्टर डोज दी जा रही है वो कौन सी डोज दी जा रही है, और अगर कोवैक्सीन लगाई गई है, कोविशील्ड लगाई गई है, तो क्या इन दोनों के लिए तीसरी बूस्टर डोज सेफ रहेगी? जी बिल्कुल, साफ तौर से सेफ रहेगी, क्योंकि जिस तरह से जो वैक्सीन का प्रोसेस है, देखिए मैं अगर साइंटिफिकली आपको बताऊं तो वैक्सीन जिस तरह से हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पावर है, वो बढ़ाती है, और जो बूस्टर डोज है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सेफ है। क्योंकि जिस तरह से इंसान थक जाता है और तमाम तरह के जो पूरे दिन का शेड्यूल होता है, एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से जो हमारी इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बूस्टर डोज लगने के बाद जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होता है, और हमारी इम्यूनिटी जो गतिरोध क्षमता है वो मजबूत होती है, और इससे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए काफी जरूरी होती है और फायदेमंद भी होती है। इसलिए कहीं ना कहीं जो तीसरा डोज है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल जरूरी है, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें लगवाना चाहिए, और तमाम जो लोग हैं, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये आग्रह करना चाहूंगा लोगों से, जो लोग हैं जो जिस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, सरकार लगातार ये बात कहती आ रही है कि हमें कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए, और जिन्होंने अभी सेकेंड डोज नहीं लगवाई है वो जल्द से जल्द जाकर सेकेंड डोज लगवा लें अपना समय पूरा होने पर, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और या बुजुर्ग हैं वो अपना जाके थर्ड डोज या बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। जी, बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है ओमिक्रॉन को खतरे को देखते हुए, तो अब तक कितने बच्चे वैक्सीनेट हो चुके हैं पहली डोज से? जी बिल्कुल, जैसा कि लगातार वैक्सीनेशन हो ही रहा है, लगभग 3-4% बच्चे अभी तक वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, लगातार डेली हजारों की संख्या में बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेशन कराने पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं अब 2 साल बीत गए हैं कोरोना को लेकर, कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता तो है ही, अभिभावकों में भी जागरूकता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को लेकर काफी गंभीर है, और इस तमाम चीजों को लेकर वो कहीं ना कहीं गंभीर है और बच्चों को भी वैक्सीनेशन करा रहे हैं, तो लगातार जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो लगातार हो रहा है। अगर राजधानी लखनऊ के जिला अस्पतालों की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार डेली अगर 800 से 1000 प्रत्येक अस्पतालों में वैक्सीनेशन हो रहा है बच्चों का, तो तमाम जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है ये लगातार जारी है और लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। जी, अगर हम ये भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बड़ों में देखा गया था कि कुछ लोगों को बुखार आ रहा था, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्या बच्चों में भी कुछ ऐसा है?
जी फिलहाल शिखा आपको बता दें, जैसा कि जो टीका होता है किसी भी तरह का कोई भी टीका हो, चाहे वो बच्चों को लगे या बड़ों को लगे, उसके किसी भी दवा का साइड इफेक्ट तो जरूर होता है। साइड इफेक्ट ना कह के अगर हम ये कह सकते हैं कि उसका इफेक्ट तो जरूर होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में जब वैक्सीनेशन लगता है या बड़ों के लगता है तो उन्हें हल्का सा बुखार या हल्का सा हाथ पे दर्द होने को जरूर होता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई गंभीर बीमारी अभी बच्चों में नहीं देखने को मिली है। उसी तरह के सिम्टम्स है अगर बच्चों में लग रहे हैं तो उनके हाथ में भी हल्का सा दर्द या बुखार जैसी स्थिति पैदा हो रही, लेकिन फिलहाल कोई गंभीर इस तरह की बीमारी नहीं देखने को मिल रही है। जैसा कि लोगों में भ्रम फैला हुआ था वैसी स्थिति नहीं है अभी फिलहाल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजहर जुड़े थे लखनऊ से। तो देश में कोरोना का कहर देखते हुए लगातार वैक्सीनेशन जारी है, बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और बड़े और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज की सुविधा आज से शुरू हो गई है। आज से बूस्टर डोज लगवा सकते हैं लोग। 9 महीने पहले जिन लोगों ने वैक्सीनेशन अपना पूरा करा लिया था दोनों डोज का, अब वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और ये सुरक्षित बताई जा रही है, जिसके लिए कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे और आज से वैक्सीनेट हो सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।